जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानो चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है व्युत्पन्न एकादशी कब है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कब है और इसकी कथा क्या है, इसका मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, तो जानते हैं हम। उत्पन्न एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस बार उत्पन्न एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। तो जानते हैं हम इसका महत्व, पूजन विधि और मुहूर्त के बारे में। साल भर में कुल मिला के 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग है। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत करना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष के एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्न एकादशी से करनी चाहिए। इससे ही पहली एकादशी माना जाता है। उत्पन्न एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी, जबकि एकादशी के व्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। उत्पन्न एकादशी व्रतों में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक हो जाती है तथा मनोरोग दूर हो जाते हैं। उत्पन्न एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति व मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत रखने से हर प्रकार की मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उत्पन्न एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले, नित्य क्रियाओं से मिटने के बाद भगवान की पूजा करें तथा कथा सुने। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले या पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचे रहना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करें। उत्पन्न एकादशी के व्रत 3 टाइप से किए जाते हैं। उत्पन्न एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। यह व्रत निर्जला, फलहारी या जली भी रखा जा सकता है। निर्जला व्रत को स्वास्थ्य व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलहारी या जले व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। आप चाहें तो इसे निर्जला भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये 3 टाइप से किया जा सकता है, जल से, फलों से और निर्जला। आप आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग चूज करिएगा कि आपको कौन सा करना है। उत्पन्न एकादशी की बहुत ही रोचक और पौराणिक व्रत कथा है। इसके अनुसार सतयुग में एक मूर नामक देवता था जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव के शिव से मिलने गए और शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। श्री सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर देवते को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत देवतों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्होंने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर देवते का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने वैतरणी यानी कि उत्पन्न एकादशी देवी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की ये कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वो बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 101 व्रत करने का फल मिलता है और ये आज के दिन से ही यानी कि एकादशी जो उत्पन्न एकादशी है उस दिन से ही भक्तों को अगर नया व्रत स्टार्ट कर रहे हैं
प्रारंभ कर रहे हैं तो वो इस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी या यूजफुल रही होंगी, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। उत्पन्ना एकादशी की इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो हैप्पी उत्पन्ना एकादशी। जय श्री राधे राधे।